Hello students, today we are going to learn a poem. I am late for school. In this poem we will read and understand a humorous poem. Humorous मतलब क्या होता है? Funny poem, जिसको पढ़कर हम लोगों को हंसी आती है. Read this funny poem by Gareth Lancaster. किसने लिखी है poem? Gareth Lancaster. और poem कैसी है? ये funny. About a boy, एक लड़के के बारे में. Who wakes up late one day, जो एक दिन late उठा सुबह. And find out what happens. और फिर क्या क्या हुआ वो हमें अभी देखना है. I got up late for school today. मैं आज late उठा. Late उठते तो क्या होता है, school के लिए भी late हो जाते हैं ना. I got up late for school today. Nearly missed the bus. और मैं आज अपनी bus miss करने वाला ही था. I hurried down the stairs. मैं जल्दी जल्दी स्टेप से स्टेयर्स से नीचे उतरा. Wolf my toes and caused a fuss. Wolf मतलब क्या होता है? Ate quickly and greedily. जल्दी जल्दी खाते हैं ना, उसे बोलते हैं wolf. उसने अपने जल्दी जल्दी से टोस अपने मुंह में ठूसी, जिसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती थी. I quickly threw बुक्स इन माई बैग. देखो उसने बुक्स भी भर कर नहीं रखे थे, तो क्या किया उसने, जल्दी जल्दी से बैग में अपने बुक्स फेंके. ठीक है, रखे तो अच्छे से ठीक से हो गए ही नहीं, कैसे तो भी उसने वो रख दिए. माई पेन माई लंच एंड शॉर्ट्स. और कौन सी चीज़ें रखी बुक्स के साथ में? पेन लंच एंड शॉर्ट्स. ग्रैब माई कोट फ्रॉम आउट द कबर्ड. कबर्ड खोल के कबर्ड से क्या किया, कबर्ड से जल्दी से मैंने कोट खींच कर बाहर निकाला. एंड टुक माई बैट एंड बॉल फॉर स्पोर्ट्स. और स्पोर्ट्स के लिए बैट और बॉल लिया. आई स्लाइड अक्रॉस द किचन फ्लोर. मैं किचन फ्लोर से क्या कर रहा था, मैं स्लाइड कर रहा था. एंड हॉप्ड अराउंड द कैट. और बीच में कौन बैठा है वहाँ पर? कैट बैठी है, करेक्ट. तो उसके ऊपर से उसने क्या किया, हॉप किया, जंप किया. देन एक्सपर्टली रोल्ड ओवर एंड जंप बैक एंड ग्रैब माई हैट. और मैं बहुत कुशलतापूर्वक वहाँ पर रोल कर जंप किया और अपनी हैट अपने हाथों में पकड़ ली. आई बिल्ट इट आउट ऑफ आवर फ्रंट डोर. बिल्ट इट मतलब मूव समवेयर वेरी क्विकली, मतलब मैं जल्दी जल्दी मेन दरवाजे पर गया. स्पन राउंड स्वंग इट शट. उसको जल्दी से मैंने खोला, वहाँ पर एक गोल चक्कर लगाया और उसे बंद कर दिया. Saw the bus was waiting for me. और मैंने देखा कि बस मेरे लिए वेट कर रही है. I felt I had time to strut. मुझे लगा कि चलो अभी मैं अच्छे से, मतलब सीना तान के आराम से ऐसे मैं स्कूल बस तक जा सकता हूँ, मैं लेट नहीं हुआ हूँ. I climbed aboard and then froze still. मतलब मैं बस में चढ़ा और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया. स्टिल मतलब एकदम शांत, फ्रोज मतलब बिल्कुल एक जगह पर टिका हुआ. आई न्यू दैट थिंग्स वरंट राइट. और मुझे समझ में आया कि जो चीज़ें हुई हैं वो कुछ तो भी ठीक नहीं हुई है, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है. माई फ्रेंड्स फेल डाउन इन फिट्स ऑफ फन एंड पॉइंटेड विथ डिलाइट. मेरे सारे दोस्त क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और मेरी तरफ इशारा कर रहे थे. मेरी तरफ इशारा करके वो लोग हंस रहे थे. माई फेस वेंट रेड. मेरा चेहरा लाल हो गया. आई कुडंट ब्रीथ. मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था. फॉर इन माई हैस आई न्यू. उसको समझ में आया कि ये जो मैं जल्दी जल्दी में मैंने जो काम किया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है. I had forgotten to wear trousers, jumper, shirt, my socks and shoes. देखो वो जो लड़का है वो ये सारी चीज़ें पहनना भूल गया था. क्या क्या नहीं पहना था उसने? Trousers, then jumper, shirt, socks and shoes. Jumper मतलब क्या होता है? A warm knitted piece of clothing which covers the upper part of your body and your arm. तो देखो वो जल्दी, एक तो वो लेट उठा, फिर जल्दी से उसने अपने बुक्स पैक किए, कैसे तो भी उसने नाश्ता किया और वो बाहर निकला. और फिर जब वो स्कूल बस में चढ़ा तब उसे समझ में आया कि वो ट्राउज़र, जंपर, शर्ट, सॉक, शूज ये सारा पहनना भूल गया है. इसलिए हमेशा आप कहीं भी जाते हो ना तो जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर अच्छे से रेडी होकर फिर जाना चाहिए.